नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ब्रिजवान गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रिज टिप। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आज से टॉपिक स्टार्ट है और जिसमें से हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और स्टेप बाय स्टेप हम कई टॉपिक्स पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का, लेकिन आज हम बेसिक क्या जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ये नंबर सिस्टम जानने से पहले हम जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वो होता है जो कि एनालॉग सिग्नल को यूज करने की बजाय डिजिटल सिग्नल का यूज करता है। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जो कि लॉजिक गेट का यूज करते हैं। और लॉजिक गेट आपको मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि लॉजिक गेट कैसे काम करता है। और ये जो लॉजिक गेट में एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये जो तीनों गेट होते हैं और इनसे मिलकर कई गेट बनते हैं, उन सबको हम विस्तृत अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम जो होता है, तो नंबर सिस्टम का खुद का मतलब नंबर जो होता है उसका कुछ ना कुछ बेस होता है। मतलब बेस का मतलब होता है कि उसका भार, आप कह सकते हैं कि मीन्स होता है। जैसे कि हमने लिखा है 50, तो इसका मतलब है कि अगर ये कहीं भी लिखा जाएगा तो ये सिर्फ 50 की ही वैल्यू दर्शाएगा। ये दो की वैल्यू ही दर्शाएगा, दो से ज़्यादा वैल्यू ये नहीं दर्शाएगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक ना। तो इस तरह की अगर जो नंबर होते हैं उनकी वैल्यू, जैसे कि मोबाइल नंबर, आप समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि मोबाइल नंबर वो भी एक वैल्यू है। क्योंकि आप जो फिक्स नंबर होता है किसी का, यदि 10 अंक का नंबर होता है और उससे पहले 99 जो कि इंडिया का कंट्री कोड होता है, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे कंट्री का कोड होता है, 92, इस तरह से बहुत सारे कोड होते हैं, ठीक ना। तो हम समझते हैं ये नंबर से हमको पता हो जाता है कि ये इस कंट्री का है मोबाइल नंबर, ठीक। और जो मोबाइल नंबर होता है अगर उसमें से एक अंक भी अगर मिस हो गया तो दूसरी जगह फोन लग जाता है। तो उन संख्याओं का क्या होता है? एक बेस होता है, एक भार होता है, ठीक ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका कुछ भार है और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका कोई भार ही नहीं है, मतलब कोई बेस नहीं है, उनका कोई मीन्स नहीं है, बस यूज किया जाता है, ठीक ना। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अब नंबर सिस्टम दो प्रकार से इसमें यूज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में जो ये नंबर सिस्टम होता है तो किस तरह से यूज होते हैं? दो प्रकार से। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है वेटेड नंबर सिस्टम। पहला कौन सा होता है? वेटेड नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेटेड नंबर सिस्टम। और दूसरा कौन सा होता है? अनवेटेड नंबर सिस्टम। ठीक, तो हम बारी बारी से समझेंगे कि वेटेड नंबर सिस्टम क्या होता है और अनवेटेड नंबर सिस्टम क्या होते हैं, तो ठीक ना। तो अनवेटेड नंबर सिस्टम सबसे पहले हम देखते हैं अनवेटेड नंबर सिस्टम को, वेटेड नंबर सिस्टम देखते हैं, तो जिससे हमको समझने में आसानी होगी कि वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनवेटेड नंबर सिस्टम को। अनवेटेड नंबर सिस्टम क्या होता है? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अनवेटेड, जिसका कोई बेस नहीं होता। और वेटेड मतलब जिसका बेस होता है। जैसे अनवेटेड यानी कोई बेस नहीं है, मतलब कोई भार ही नहीं, कोई मीन्स नहीं होता, बस यूज किया जाता है। तो जैसे कौन से होते हैं? जैसे कि होता है रोमन नंबर हो गया, ठीक। और क्या बोल सकते हैं हम? ग्रे कोड, आस्की कोड। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रोमन नंबर है, ये ग्रे कोड है, आस्की कोड है, अनवेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक। तो रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, उसका सिंटैक्स होता है, इसका मीन्स एक होता है, इसका दो, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, तो इनका हर वक्त मीन्स बदलता रहता है, इनका कोई एक बेस नहीं होता है जहाँ पे यूज किया जा सके, ठीक ना। तो इसलिए इनको अनवेटेड में रखा गया है। ग्रे कोड जो कि बाइनरी डिजिट, हमने बताया कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है ये डिजिट्स का यूज करते हैं, जैसे 0 और 1। कंप्यूटर जो है वो पूरा किस पर आधारित है? 0 1 पर, जो कि दो ही डिजिट यूज करता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ठीक। और इनको संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो कि नंबर्स होते हैं, 1 2 मतलब कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, ठीक।
ए बी, ये मतलब कोई भी कैरेक्टर भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से कंप्यूटर में कैरेक्टर नंबर्स को प्रदर्शित करने के लिए 0-1 का सिंटैक्स यूज होता है कि मतलब कि एक बेस मतलब एक तरीके से एक इसका वैल्यू होता है, मतलब जैसे 0-1-0-1 इस तरह से यूज किया जाता है डिजिट को, ठीक ना, बाइनरी डिजिट को। तो ग्रे कोड और ASCII कोड कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ग्रे कोड क्या होता है, ASCII कोड क्या होता है, इसको हम विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने रोमन संख्या जाना, ग्रे कोड जाना और ASCII कोड। ASCII कोड भी कुछ इसी तरह से होता है जिसका मीन्स होता है। उनके लिए क्या होता है कि ये नंबर निर्धारित होता है ASCII कोड में, जैसे कि 0-1-0-1-1-1-0-1, तो इसकी वैल्यू गिनी जाती है, इसका मीन्स क्या होता है। तो इसका कोई मीन्स हर जगह बदलता रहता है, 0-1 अगर बदल गया तो इनकी मीन्स चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए ये सब अनवेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। अब हम समझेंगे कि वेटेड नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वेटेड नंबर सिस्टम। तो ये वेटेड नंबर सिस्टम क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा क्या कि वेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं डेसिमल, ठीक, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर, और आता है बाइनरी, बाइनरी डिजिट नंबर। ये चार क्या होते हैं, डिवाइड किए गए हैं, जो कि वेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इनका कोई ना कोई मीन्स है, कोई ना कोई बेस है, कोई ना कोई भार है, जिसे हम वेटेड नंबर, वेटेड का मतलब ये होता है कि वजन, ठीक ना, और अनवेटेड का मतलब होता है जिसका वजन ना हो, ठीक। तो वेटेड नंबर सिस्टम जो कि डेसिमल, ये कैसे रखे जाते हैं, ये नंबर सिस्टम में किस आधार पर लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है, ठीक ना। तो डेसिमल नंबर क्या होता है कि जैसे कि हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है। हमने ये चारों को जान लिया, लेकिन इन सबको बारी बारी से देखेंगे कि होते क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, इनका बेस होता है 10, ठीक। डेसिमल नंबर को जैसे कि हम गिनती सुनते हैं, पढ़ते हैं, बचपन से ही हमको पढ़ाया जाता है कि 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सब से मिलकर बनी संख्या ही हम लोग डेसिमल नंबर बोल सकते हैं, ठीक ना। तो 0 से 9 तक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। अब इसको हम गिनेंगे तो 10 होता है, तो इनका बेस होता है 10, ये हम मान सकते हैं कि बेस यानी इनका वजन होता है। अब इनसे मिलाकर हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, ठीक ना, वो हम बताएंगे कैसे बना सकते हैं। तो हमने बेस जाना, ठीक, जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में बेस और रेडिक्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक। और इसमें जो हमने 0 से लेकर 9 तक बताया कि 0 से लेकर 9 तक के ये संख्याएं यूज होती हैं, इनको सिंबल कहा जाता है इसमें, ठीक, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ये तो बेस हो गया, बेस आर रेडिक्स 10, ठीक, और इसे यूज्ड सिंबल हम बोल सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो सिंबल के रूप में यूज की जाती हैं, ठीक। और इसका डिनेशन, ठीक ना, हम क्या कहते हैं, डिनेशन। तो डिनेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक, डिनेशन कुछ इस तरह से किया जाता है, जो कि इसका सिंटैक्स होता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जांपल। अब हमने बताया कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से मिलकर हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक, ये हो गई 10 संख्याएं जो कि बेस थी और जो सिंबल इन्हीं को सिंबल कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया जा सकता है। तो
तो एग्जांपल जैसे कि हमने एक ये संख्या ले ली, एक ये ले ली, ये ले, कोई भी ले सकते हैं, ठीक। ये एक संख्या बन गया जिसका एक मीन्स है, एक भार है कि ये 952 है, ठीक। लेकिन यहीं पे अनवेक्टेड में देखा जाता तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड बना दिया गया, अब थर्ड। इन तीनों के यदि हम यूज करते हैं तो इनका कोई मीन्स नहीं होता, इसलिए इनको अनवेटेड के अंतर्गत रखा गया। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1, 2, 3 मतलब 123 का मीन्स है ये, अब इस तरह से थोड़ी ना 123 का मीन्स होता है, तो इसलिए इनका कोई भार नहीं, कोई वेट नहीं, कोई वजन नहीं है। लेकिन इनको यदि मिला दिया जाए कहीं भी, ठीक ना, उनका मीन्स वही रहता है। अगर ये 5 लिखा है तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे ये 2 की वैल्यू अगर रख दी गई है तो ये 2 नहीं है, ठीक ना। तो ये डिफरेंस होता है वेटेड और अनवेटेड में, ठीक। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, 0, 5, ठीक, और इसी को हम उल्टा कर दिए 50, तो इन सबका मीन्स होता है, इसलिए इनको वेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या नेक्स्ट, जो कि दूसरा हमको देखना है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम हमने देखा, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम देखा, अब बाइनरी नंबर सिस्टम हम देखेंगे, ठीक। तो हम इन सबको अच्छे से समझेंगे आज, ठीक। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, इसका बेस क्या होता है, तो इसका बेस होता है 2, ठीक। जो कि हमने बताया कि कंप्यूटर इसी पर आधारित है, बाइनरी पर, जिसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। तो इन सब में क्या होता है, लॉजिक गेट्स के यूज किए जाते हैं, ठीक, और एनालॉग सिग्नल का यूज नहीं किया जाता, डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है। तो किसकी वजह से, यानी डिजिट यानी डिजिटल की वजह से। अब इनका क्या मीन्स है, 2 यानी बेस 2 है, ठीक। तो इनके सिंबल क्या होंगे, 0 और 1, ये 2 संख्या है जो कि बेस 2 बना दिया गया है, 1 और 2, ठीक। और इनके सिंबल जो है तो 0 और 1 यूज किए जाते हैं, ठीक। इनको हम बेस और रेडिक्स दोनों बोल सकते हैं, जो कि 2 है, ठीक। अब इसका डेस्टिनेशन डिनेशन कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। इसका डिनेशन उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से डेसिमल का किया जाता था, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस है कि जो बेस होता है वो 2 होता है इसका, उसका 10 होता है, तो दोनों में अंतर यही है। डिनेशन कुछ इस तरह से किया जाता है इसका, बाइनरी नंबर सिस्टम का। और अब इसके एग्जाम्पल भी हम बना देते हैं कैसे, 0 और 1 जो है, ठीक ना। तो 0 और 1 का जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल होता है, जैसे कि 1 0 1 0 1, ठीक। अब इसको हम जो कि हमने बताया था ग्रे कोड, आस्की कोड, ठीक ना, तो सब अनवेटेड नंबर सिस्टम में है, उनका एक फिक्स डिसीजन है कि उसके अलावा कोई यूज नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उनको हम गिन सकते हैं, जैसे इसका मीन्स होता है 41, हम इसको गिन सकते हैं, जो कि हम आपको अगले ट्यूटोरियल में बताएंगे कि कैसे इनको हम गिन सकते हैं और कैसे इनका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। सारी चीजें कन्वर्जन हम पढ़ेंगे आगे की ट्यूटोरियल में, ठीक है ना। अब हमने समझ लिया कि इसके एग्जांपल कैसे होते हैं, जैसे 0101 बहुत सारे बना सकते हैं, 1011 1110001, तो मतलब हम किसी तरह से ये बाइनरी के बाइनरी नंबर सिस्टम समझा सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं वेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक, कौन सा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक ना, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, जैसे कि हमने डेसिमल का 10 देखा, बाइनरी का 2 देखा, और इसका बेस होता है 8, ठीक। क्या होता है, 8 होता है, और इसके जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स क्या होते हैं, 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक। ये होता है बेसिस का, जो कि सिंबल्स यूज होते हैं इसमें कि 0 से लेकर 7 तक का, ठीक। अब इसका डिनेशन किस तरह किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो डिनेशन जो करना है, तो डिनेशन सेम टाइप होता है जिस तरह से हमने डेसिमल और बाइनरी का देखा उसी तरह से होता है, लेकिन इसका 8 लिखा हुआ होता है, ठीक, डिनेशन। अब इसमें हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, 0 से लेकर 7 तक तो यूज होता है, लेकिन इसका जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसका हमने एग्जाम्पल देखना है। तो जैसे लिखा है 270.50, ठीक, और बेस में 8 लिखना है, और डेसिमल में यही चीज अगर लिखी होती तो बेस इसका 10 लिखना है, और बाइनरी में 2, तो
तो इसी तरह से चेंजेस होते रहते हैं कि ये ऑक्टल है। अब इसके बाद हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का क्या होता है बेस? इसका बेस होता है 16। ठीक, क्या होता है 16। अब 16 कैसे होता है इसके हम सिंबल्स देख लेते हैं। ठीक, जो सिंबल्स यूज होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अब 9 के बाद ये तो 10 हो गए, लेकिन अभी हमको 6 की आवश्यकता है। तो 6 के लिए क्या यूज होते हैं? A, B, C, D, E, F। कहाँ तक यूज होता है? F तक होता है। ठीक, A, B, C, D, E, F ये होते हैं 0 से लेके F तक, 9 और फिर A to F। ठीक, तो इस तरह से इसके सिंबल्स होते हैं जो हेक्साडेसिमल होता है। अब हम इसे देख लेते हैं क्या डिनेशन इसका कैसे किया जाता है। तो डिनेशन सभी का सेम टाइप ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, जो कि बेस जो होता है वही चेंज होता रहता है। इसका बेस चेंज हो जाता है, 16 है तो 16 हो जाएगा। ठीक, अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। एग्जांपल मतलब कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये हेक्साडेसिमल का ही है नंबर लिखा हुआ है, नहीं तो हम उसे डेसिमल भी समझ सकते हैं और बाइनरी या कि ऑक्टल नंबर सिस्टम भी समझ सकते हैं कि ये इसका नंबर है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल कैसे। 1, A, C, 2 कुछ इस तरह से भी लिखा हो सकता है, और इसका बेस क्या बना दिया जाएगा? 16। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा डेसिमल है, कौन सा ऑक्टल है, कौन सा बाइनरी है, कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक, तो ये कौन से हमने पढ़े? जितने ये चारों पढ़े हैं वो हमने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो कि हमने पढ़ा क्या, वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम। ठीक, और ये जो है ये जहां हमने पढ़ा डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और लास्ट में ये ऑक्टल। ठीक, तो वो काहे के प्रकार है? वो है वेटेड नंबर सिस्टम के, ये है वेटेड नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ वेटेड नंबर सिस्टम। जो कि नंबर सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम। और चूंकि हमने पढ़ा है वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और इसके बाद हमने पढ़ा कि जो वेटेड नंबर सिस्टम होता है तो वेटेड नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमने क्या पढ़े? 4 प्रकार। अब हम आपको अगले ट्यूटोरियल में जस्ट इसके पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि अनवेटेड नंबर सिस्टम के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उनका बेस क्या होता है, कैसे अगर होते हैं यूज तो क्यों होते हैं, और इसके बाद कन्वर्जन, कन्वर्जन इनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल, मतलब एक दूसरे में कन्वर्जन देखेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। तो यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहीं पे यदि ये इस ट्यूटोरियल में शुरू से लेकर अंत तक में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। और यदि आपको ये चैनल से आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सभी वीडियोज प्राप्त करना है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइए ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय।